अभी आपने पढ़ा कि कोई भी डिजिट 5 से एंड करता हो तो उसके स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, नियर बाई कोई 50 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा अगर नियर बाई 1000 हो, वही 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख है तो उसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, यदि कोई डिजिट रिपीट करता हो, क्या करता हो, रिपीट करता हो तो उससे कैसे निकालेंगे। रिपीट मतलब बार बार वही डिजिट आता हो तो उस स्थिति में कैसे आप निकालेंगे उसका स्क्वायर। जैसे मान लिया जाए 1 1 4 times 1 है, यहाँ देखिए 1 रिपीट कर रहे हैं तो इसके स्क्वायर किस तरह से निकाला जाएगा। ये बहुत ईजी है, जानते कैसे, 1 कितना है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो जितने टाइम्स 1 है उतना डिजिट लिख दीजिए। क्या बोला मैंने, जितने टाइम्स 1 है उतना डिजिट लिख दीजिए। तो कितना है, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 लिख दिया। जहां एंड किया, क्या बोला मैंने, जहां एंड किया मतलब कहां एंड किया, ये 4 पे, उससे छोड़ दीजिए और उसके बाद वापस आइए, यानी 3 2 1 3 2 1। तो आंसर इज व्हाट, 1 2 3 4 3 2 1, गेटिंग, 1 2 3 4 3 2 1, दिस इज ऑन द आंसर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा सुनिए, यदि कोई डिजिट रिपीट करता है बार बार तो उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया हमने कि 4 times 1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमें 1 को बार बार रिपीट किया गया है, 4 times रिपीट किया गया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने ये बताया कि जितने टाइम्स वन है उतना डिजिट लिखें, क्या लिखना है, डिजिट, कंटिन्यू डिजिट। जैसे 4 है तो 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ एंड किया, कहाँ किया, 4 पे, जहाँ एंड करता है उसे छोड़ करके वापस आइए, तो 3 2 1 3 2 1, आंसर इज व्हाट, 1 2 3 4 3 2 1, दिस वन आंसर। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस समझ में आ जाना चाहिए, यदि नहीं आया तो चलिए एक एग्जांपल और कीजिए। 111, डू हरी अप, आपको टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगना चाहिए, हमने बोला और आपने जवाब दिया, इसे बोलते हैं लगभग 2 सेकंड। रेडी हैं, 111 की जवाब क्या होगा, क्या बोला मैं था मैंने, कि जितना 1 है उतना डिजिट लिखें, कितना 1 है, 1 2 3, फिर क्या करना है, उसे वापस जाना है, तो वापस जाना है किसको, जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ करके, तो क्या होगा, 2 1, आंसर इज व्हाट, 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, दिस इज द आंसर। गेटिंग, एक क्लास फास्ट, आई होप इसे जल्दी से करेंगे। 111 का स्क्वायर 1 2 1 होता है ना, कभी आपने सोचा 1 2 1 तो होता है, क्या हुआ, 1 2 फिर उसके बाद 1। चलिए, आपने 1 का रिपीट पढ़ा, लेकिन रिपीट क्या 1 ही होगा, इसे हर लोग पढ़ाते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी टीचर हैं, सबको इसे पढ़ाते हैं, लेकिन रिपीट तो 1 to 9 होता है ना, ये रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाएंगे 1 to 9, कोई भी डिजिट रिपीट करता है तो उसका स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। गेटिंग, अभी आपने 1 सीखा, चलिए 2 यदि रिपीट करता है तो कैसे निकालते हैं, चाहे 2 कितना भी है, बताइए कितना लेना चाहेंगे। एग्जांपल ले लें, 222, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए और बताएं ऐसा क्या करें कि इसका स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में निकल जाए, कितने सेकंड, 2 से 3 सेकंड। अब इसे कैसे निकालेंगे, 2 से 3 सेकंड निकालने के लिए एक टेक्निक होना चाहिए आपके पास, ऐसा क्या टेक्निक होगा कि 2 से 3 सेकंड में ये प्रॉब्लम, ये स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, दिमाग लगाइए क्या कर रहे हैं, आप जरा सा सोचिए कि क्या ये
2221 में कन्वर्ट हो सकते हैं, 2221 की तरह कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? इसके दो तरीका हो सकता है, या तो 2 से डिवाइड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या बोला मैंने? या तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 111 आ जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 2 ब्रैकेट निकालते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 111, यही होगा ना? अगर 2 ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। जब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर आपने कॉमन लिया है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर आपको पता है 1 2 3 2 1, यही होता है ना, अभी हमने पढ़ाया था 1 2 3 1। अब इसको कैसे करेंगे, बस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8 19, और 4 1 जा 4, दिस इज माई आंसर। यही आंसर होगा, नहीं समझ में आया? दोबारा देखिए, हमने बोला कि कोई भी डिजिट रिपीट करता हो तो उसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 1 का स्क्वायर आपने सीखा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2 1 की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश किया, तो 2 में कॉमा निकाला तो ये बच गया 111। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 111 का स्क्वायर आपको पहले से पता है, नहीं है तो एक बार और सुन लीजिए। मैंने ये बोला था कि जितने टाइम्स 1 है उतना डिजिट लिखिए, यानी 1 2 3 लिखा, और जहाँ एंड किया, 3 पे एंड किया ना, उसे छोड़ के वापस आ जाइए, यानी 2 1। आंसर इज व्हाट, 4 × 1 2 3 2 1। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2, 4 2 जा 8 और 19, और 4 1 जा 4, दिस इज वन आंसर, यू कैन चेक इट।